एवरीवन, कशी जी इन दिस साइड ऑफ द वे फ्रॉम पीके मेकअप स्टूडियो। अगर आप प्रोफेशनली मेकअप सीखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही चैनल पे आए हैं। और यार, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जितने भी नए यूजर्स हैं प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर दो यार। इधर ही रहा, इधर ही बटन है, सिर्फ सब्सक्राइब करना है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, जल्दी कर दो। एंड आज का जो वीडियो इतना ज्यादा अमेजिंग और स्पेशल है, सबसे पहले तो ये बता दूं कि पूरे वीडियो में मैंने एक चीज नहीं लगाई है जो इतनी इंपॉर्टेंट है, जिसके बिना हम एक्चुअली मेकअप नहीं कर सकते, ऐसा काफी सारे लोगों को लगता है। तो वो कौन सी चीज है जो मैंने नहीं लगाई है, वो मुझे कॉमेंट करके सबसे पहले बताइएगा। फर्स्ट 15 कमेंट्स को मैं मेरी इंस्टाग्राम स्टोरी में अपडेट करने वाली हूँ, तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वहाँ पे भी फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। एंड रही बात आज के मेकअप वीडियो की, तो आज हम हेलो आई मेकअप सीखने वाले हैं। जैसे कि आपने स्क्रीन पे देखा, वही लुक हम डिटेल में सीखने वाले हैं, वो भी प्रोडक्ट के साथ। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो जैसे कि आपने देखा, मेरी जो मॉडल की स्किन है वो है कॉम्बिनेशन स्किन, बहुत ज़्यादा ऑयली भी नहीं, बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं है। सो थोड़ा सा टी जोन खाली ऑयली था, तो हमने क्या किया, जो मॉइस्चराइजर मैं अप्लाई कर रही हूँ टी जोन पे, थोड़ा मॉइस्चराइजर मैं अवॉइड कर रही हूँ। जो मॉइस्चराइजर मैंने यूज़ किया है वो है सेटाफिल का। देन हमने प्राइमर लगाया, मेकअप स्टूडियो का अच्छे से अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब जैसे कि आप लोग देख रहे हो, डिस्कलरेशन बहुत ज़्यादा है, तो मैंने यहाँ पे टार्ट का कंसीलर यूज़ किया, अच्छे से उसको फेस पे मैंने अप्लाई कर दिया, जहाँ पे भी डिस्कलरेशन ज़्यादा है। देख रहे हो, एकदम टोन टू टोन मैंने डिस्कलरेशन को कट करने के लिए यूज़ किया है। उसका रीज़न ये कि बहुत ज़्यादा नहीं था तो मैंने टोन टू टोन ही यूज़ कर लिया, अभी तक भी मैं वही लगा ही रही हूँ। उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से उसको क्या कर रहे हैं, ब्लेंड कर रहे हैं। एंड वैसे भी थोड़े टाइम के बाद आपको पता चल जाएगा कि नहीं, अभी नहीं बोलती हूँ। फिर उसको अच्छे से ब्लेंड करो, पूरा सेट हो जाना चाहिए। आपका जो ब्लेंडर होना चाहिए वो डैम्प होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गीला भी नहीं, बहुत ज़्यादा सूखा भी नहीं। फिर अगेन मैंने फेस को हाईलाइट करने के लिए इनसे दो टोन ब्राइट शेड का कंसीलर लिया, और आप लोग देख रहे हो सिर्फ हाईलाइटिंग एरियाज पे मैंने जो है कंसीलर लगा दिया। उसके बाद हम उसे बहुत ही अच्छे से ब्लेंड कर रहे हैं। आई गेस आप में से काफ़ी सारे लोग वैसे ही समझ गए होंगे, तो अगर समझ गए हो तो कॉमेंट ज़रूर करना। एंड अच्छे से उसको ब्लेंड 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 फुल ऑन ब्लेंड होना चाहिए आपका बेस जो है। अगर आप ब्लेंडिंग नहीं करोगे तो आपका मेकअप जो है वो पैची हो जाएगा, थोड़े टाइम के बाद काला लगने लग जाएगा। अगर आपको भी ऐसा लगता है आपका मेकअप काला पड़ रहा है, तो उसका मेन रीज़न ये है कि आपका बेस जो है आप ब्लेंड नहीं कर रहे हो। देन अगेन हमने कंसीलर लिया है, क्योंकि मेरी मॉडल ने मुझे बोला कि मुझे थोड़ा सा और फेयर मेकअप चाहिए, तो मैंने एक कंसीलर यूज़ कर लिया जो उनके स्किन से 2 से 3 टोन फेयर था, तो मैंने वो यूज़ किया। टार्ट का कंसीलर मैंने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, अच्छे से मैंने हाईलाइटिंग एरियाज पर सिर्फ लगाया, उसको मैं अच्छे से प्रॉपर ब्लेंड करी। देन बिना कॉन्ट्रोल के तो हमारा मेकअप अधूरा है, तो यहाँ पे मैं क्रीम कॉन्ट्रोल यूज़ करी हूँ जो कि फेंटी ब्यूटी ब्रांड का है, जिसका नंबर है 3। अच्छे से उसको लगाया, उसको कर रहे हैं हम ब्लेंड। वैसे मुझे प्रोडक्ट डायरेक्ट अप्लाई करने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता, मैं थोड़ा सा पैलेट पे ले लेती हूँ, उसको अच्छे से मिक्स करके देन मैं प्रोडक्ट जो है अप्लाई करती हूँ। तो देख रहे हो, कॉन्ट्रोल के बाद जो है पूरा फेस का लुक जो है कम्प्लीटली चेंज हो चुका है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्ट्रोल। फिर मेरी मॉडल को मुझे स्वीट सा लुक देना था, तो मैंने ब्लश ऑन यूज़ किया। ब्लश ऑन मैंने यूज़ किया रेयर ब्यूटी का, जो मेरा बहुत ही फेवरेट ब्लश ऑन है एंड बहुत ज़्यादा फेवरेट ब्लश ऑन है। अच्छे से अप्लाई कर दिया, उसको डैप डैप कर दिया। वेल, आपको नेक्स्ट वीडियो में कौन सा मेकअप देखना है वो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मैं वर्क कर रही हूँ थोड़े अलग अलग में लुक्स आपको बताऊँ, जैसे बंगाली ब्राइडल लुक हो गया, ऐसे सारे लुक्स मैं करने की सोच रही हूँ। तो मुझे कमेंट करके बताओ आपको कौन सा वीडियो देखना है। देन बिना लूज पाउडर के तो हमारा मेकअप जो है स्टे नहीं करेगा। अगर आप चाहते हो कि आपका मेकअप 10 घंटे से ज़्यादा स्टे करे, तो लूज पाउडर तो भाई लगाना ही पड़ेगा, उसके बिना बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो मैंने लॉरा मर्सी का लूज पाउडर लगाया, अच्छे से पूरे फेस को सेट कर दिया है। एंड बिना हाइलाइटर के तो शादी ब्याह सब अधूरा है, अच्छे से हाईलाइटर लगा दो। मैंने यहाँ पे गोल्डन कलर का हाईलाइटर यूज़ किया है। हाईलाइटर हमेशा कपड़ों के हिसाब से होना चाहिए। एंड अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो लाइक नहीं करी तो प्लीज़ जल्दी लाइक कर दो। अगर मैं और मेरी वीडियो आपको पसंद है तो आपको लाइक तो करना ही पड़ेगा, जल्दी से कर दो। अब शुरू कर रहे हैं आई मेकअप, थोड़ा सा सीरियस हो जाते हैं अभी, क्योंकि आई मेकअप जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट होने वाला है, तो आराम से आई मेकअप सीखते हैं। चलो सबसे फर्स्ट कर रहे हैं आईब्रो डिफाइनिंग। आईब्रो डिफाइनिंग कर रहे हैं, तब तक मुझे एक चीज़ मैं आपको बोलना भूल गई, हमारा बहुत ही ग्रैंड ऑनलाइन क्लास आने वाला है, और उससे भी ग्रैंड हमारा ऑफलाइन क्लास आने वाला है। अगर आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस की इंक्वायरी चाहिए तो जल्दी से हमें कॉन्टैक्ट कर दीजिए ऑन 7228996655। 200 वाला ऑनलाइन क्लास भी अवेलेबल है, अगर आपको नहीं पता हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से आ जाओ व्हाट्सएप पे। देन आई मेकअप में मैंने सबसे पहले व्हाइट आई बेस लगाया है। आप लोग सब मुझे पूछते हो कौन सा व्हाइट आई बेस है, कौन सा व्हाइट बेस है, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। शुरू करते हैं आई मेकअप। सबसे पहले बता दूँ, मेरी मॉडल का जो आउटफिट है वो है ग्रीन और गोल्डन कलर का, तो मैंने सबसे पहले एक डार्क ग्रीन कलर का आई शेडो मैंने यहाँ पे लिया है। स्क्रीन पे थोड़ा सा ब्लैक लग रहा है, लेकिन लाइट की वजह से कभी कभी लगता है, तो डार्क ग्रीन कलर का मैंने आई शेडो यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। और जैसे कि आप लोग देख रहे हो, उसको मैं सी शेप में अप्लाई कर रही हूँ प्रॉपरली। तो रिमेंबर, जब भी आप हेलो आई मेकअप कर रहे हो, बहुत ज़्यादा वी शेप में मत जाओ, आँखों के बाहर बहुत नहीं जाना है, आँखों के अंदर आपका जितना आई मेकअप रहेगा, स्पेशली हेलो आई मेकअप, उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा।
फिर मैंने सोचा ग्रीन के साथ सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन क्या लगता है, तो वैसे तो पिंक भी अच्छा लगता है, ब्राउन भी अच्छा लगता है, लेकिन मुझे कुछ अलग करना था तो मैंने येलो यूज़ कर लिया। तो यहाँ पे मैंने उसको येलो से ब्लेंड कर लिया। अब जैसे कि आप सब जानते हो हेलो आई मेकअप में सेंटर में क्रीज बनती है, तो मैंने यहाँ पे सेंटर में क्रीज लाइन बना ली है वाइट आई बेस के यूज़ से। सेंटर में क्रीज बनाने के बाद हमेशा जब भी आप क्रीज बनाओ तो क्रीज पे आपको लाइट शेड अप्लाई करना है, तो मैं यहाँ पे लाइट शेड अप्लाई करने वाली हूँ क्योंकि ये महाराष्ट्रियन ब्राइड होने वाली है, तो मैं गोल्डन कलर का जो है आई शेडो अप्लाई करूँगी यहाँ पे। वैसे ब्राइड होती है ना तो ऐसे लगता है गोल्डन और ग्लिटर के बिना अधूरी है, तो थोड़ा कभी कभी देना पड़ता है यार। बट अगर आप न्यूड मेकअप लवर हो तो मेरा न्यूड मेकअप भी मैंने पोस्ट किया हुआ है मेरी चैनल पे, सारे वीडियोस ज़रूर चेक करना, आपको ना मज़ा आ जाएगा सारे वीडियोस देख के। तो न्यूड मेकअप लवर ज़रूर सारे वीडियोस चेक करिएगा। फिर यहाँ पे मैंने गोल्डन आई शेडो ले लिया है, आई शेडो पैलेट तो आपने देख ही ली कौन सी है, मुझे बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। सो यहाँ पे गोल्डन अच्छे से प्रॉपरली एक फ्लैट ब्रश के यूज़ से मैं गोल्डन कलर का आई शेडो लगा रही हूँ। एंड अगर आपको ये देखना है कि मैम कौन से ब्रशेस कहाँ पे यूज़ करना है, कैसे कहाँ पे कौन सा यूज़ करें, उसका भी भाई अलग से वीडियो बना हुआ है, चेक कर सकते हो आप। सो गोल्डन आई शेडो लगा दिया है इन द सेंटर ओनली, सिर्फ और सिर्फ सेंटर पे। एंड देन क्या होता है, थोड़ा सा फिनिशिंग के लिए मैं आउटर और इनर कॉर्नर पे फिर से ग्रीन कलर का आई शेडो लगा रही हूँ, क्योंकि फिनिशिंग अगर नहीं है तो हमारा काम भाई अच्छा नहीं लगने वाला है। उसके बाद आई मेकअप को और अच्छा दिखाने के लिए यहाँ पे मैं टर्कोइज कलर का काजल यूज़ कर रही हूँ, एंड नीचे लोअर लाइन पे मैं शेडिंग दे रही हूँ ब्लू कलर की। मुझे ब्लू कलर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है आई मेकअप में यूज़ करना, तो मैंने सोचा येलो ग्रीन तो हो गए, क्यों ना ब्लू भी यूज़ कर लूँ, ताकि आप सभी को पता है येलो ग्रीन और ब्लू का कॉम्बिनेशन बहुत ही अमेजिंग लगता है, तो सेम मैंने वही किया है। अच्छे से मैंने उसको कर दिया है मर्ज, आप लोग देख रहे हो। ब्लू के बाद आई मेकअप का इम्पैक्ट बहुत अच्छा आ रहा है, तो अगर आप चाहते हो आपका आई मेकअप जो है ना लाउड दिखे और सटल भी दिखे साथ साथ में, तो आप एक चीज़ ये कर सकते हो, आप अपर आई मेकअप सटल लग के लोअर आई मेकअप थोड़ा सा इसे कलरफुल दे सकते हो, तो वो और भी ज़्यादा अच्छा दिखेगा। फिर क्योंकि ब्राइड है तो मैंने आपको बोला ही था थोड़ा सा गोल्डन ग्लिटर अप्लाई करी हूँ। ग्लिटर अप्लाई करने के लिए मैंने टू वे जेल यूज़ किया है, उसके ऊपर मैं यूज़ कर रही हूँ गोल्डन कलर का ग्लिटर जो कि हमारी खुद की ब्रांड का है, वही मैं अप्लाई कर रही हूँ। एंड आप लोग इतने इंटरेस्टिंग से वीडियो देख रहे हो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए तो बहुत ही थैंक यू। एंड अब विंग लाइनर मैं अप्लाई कर रही हूँ, जिससे इस आई मेकअप में चार चांद लगने वाले हैं, क्योंकि मैं क्या करने वाली हूँ, ऊपर का विंग लाइनर और नीचे का जो मैंने ब्लू काजल लगाया है उसको मैंने कनेक्ट कर दिया है, और देखो कितना ज़्यादा अमेजिंग लुक आ रहा है। तो आई मेकअप में छोटी छोटी चीज़ों से आप आपके आई मेकअप को ना यहाँ से सीधा यहाँ तक लेके जा सकते हो, इतना ज़्यादा बदलाव आता है, तो बहुत ही सुपर्ब लग रहा है। इसको आप स्मज विंग लाइनर भी बोल सकते हो। एंड आप लोगों को आई मेकअप कैसा लगा वो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। पिछले वीडियो में तो आपने बहुत सारे वाव 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 लिखे, उसके लिए थैंक यू। इस वीडियो में आप मुझे अगर आई मेकअप पसंद आया तो बहुत सारे ग्रीन हार्ट्स ज़रूर भेजिएगा। देन थोड़ा सा मैं ना ग्लिटर को फिक्स करी हूँ ताकि ग्लिटर नीचे ना गिरे, क्योंकि ग्लिटर नीचे गिरता है ना और आई मेकअप की बेस मेकअप की बैंड बच जाती है। ऐसा होता होगा आप लोगों के साथ भी, तो हमेशा जब भी आप ग्लिटर लगाओ आप अपने ग्लिटर को अच्छे से फिक्स करिएगा, ताकि आपका ग्लिटर जो है बेस पे ना गिरे ना ही ऊपर चिपके। ओके, देन थोड़ा सा गोल्डन हाइलाइटर ले लिया है अपने ब्रोबोन को हाइलाइट करने के लिए, ताकि हमारी जो ब्राइड है वो दूर से दिख जाए कि नहीं भाई ये ब्राइड है, क्योंकि आजकल साइडर्स भी ऐसे मेकअप करती है कि ऐसा लगता है कौन ब्राइड है कौन साइडर है समझ नहीं आता है ना। फिर थोड़ा सा जो भी नीचे फॉल आउट वगैरह हुआ उसको मैंने क्लीन कर दिया, अच्छे से फेस क्लीन कर दिया, थोड़ा सा ब्लशर बढ़ा दिया है क्योंकि ब्लशर जो है बहुत ज़्यादा सटल हो गया था, तो मैंने उसको थोड़ा इंक्रीज़ कर लिया। यहाँ पे मस्कारा कर लेते हैं। एंड वैसे मैं बताऊँ, ये मेकअप लुक मुझे इतना ज़्यादा पसंद आ रहा है, मतलब ऑन स्क्रीन देखते मुझे लग रहा है क्या मेकअप किया है यार, है ना। फिर यहाँ पे बिंदी मैंने लगाई है जिसके बिना महाराष्ट्र लुक हमारा अधूरा है। देन ग्रीन के साथ, आपको पता है कलर व्हील में ग्रीन के अपोजिट रेड है, तो मैंने ग्रीन आई शेडो के साथ रेड लिपस्टिक कर दी है। अगर आप न्यूड लिपस्टिक लवर हो तो इस पर न्यूड लिपस्टिक भी बहुत अमेजिंग लगेगी, पर मुझे रेड लगानी थी क्योंकि ब्राइड है, तो मैंने यहाँ पर रेड लिपस्टिक यूज़ की है, तो अच्छे से मैंने अप्लाई कर दी है। प्रॉपर रेड लिपस्टिक में बड़े पंगे होते हैं, तो जब तक प्रॉपर अप्लाई ना हो ना उसको छोड़ना मत, प्रॉपरली मस्त अप्लाई कर दो। फिर मैंने थोड़ा आई शेडो से उसको फिक्स कर दिया, ताकि हम जो नथ वगैरह लगाए तो हमारी जो लिपस्टिक है वो स्मज ना हो। आई मेकअप को और सुंदर दिखाने के लिए यहाँ पे मैंने लैशेस लगा दिए। और एक और बात, अभी तक मेकअप तो पूरा नहीं हुआ है, लेकिन अभी वीडियो छोड़ के मत जाइएगा, सब्सक्राइब किए बिना कहीं भी मत जाइएगा, तो जल्दी से अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी कर दो। देन यहाँ पे मेकअप फिक्सर, जिससे हमारा मेकअप जो है वो 12 घंटे से सीधा 14 घंटे पे शिफ्ट हो जाएगा, तो मेकअप फिक्सर मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ, जिसके बिना हमारा मेकअप बिल्कुल अधूरा है। एंड यहाँ तक मेकअप देखने के लिए थैंक यू वेरी वेरी मच। एंड अभी तक अगर आपने मेरा सेकंड चैनल नहीं देखा है लाइफस्टाइल बाय पीके, तो वो भी ज़रूर चेक करिएगा, जिसमें मैं व्लॉगिंग कर लेती हूँ थोड़ा बहुत। तो थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, प्रैक्टिस करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि उसके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे इससे भी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एवरीबॉडी एंड टेक केयर।